जल्दी से बता दू, स्टोरेज नहीं है मेरे पास में। तो मेरे को, मैं इसको बता रही थी कि मेरे को ना बड़े होके जब मैं मम्मी बनना, मैं संतूर मम्मी बनना चाहती थी। अभी मैं संतरा मम्मी बनी, मैं संतूर मम्मी बनूंगी एक दिन। मैं आई विल आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय सेल्फ। ओके गाइस, मेरे पति हो गए बीमार इंडिया आते ही, इनके लगेगा इंजेक्शन। अब पता नहीं क्यों आई एम लाइक वेरी हैप्पी। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको इंजेक्शन? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी इनकी डर से देखो आवाज भी नहीं निकल रही। लेट्स सेलिब्रेट स्लीप, लेट्स सेलिब्रेट स्लीप, जस्ट गिव मी दोस डीज बेबी ASAP। हाय गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो आज है ना, कितनी तारीख है? 5 तारीख है और आज मेरे पति का लेजर है। तो हम लेजर करवाने आए थे, बट बीच में हमें मेरा सर दुख रहा था, तो हम थोड़ा कॉफी वगैरह पीने आ गए और हमने कॉफी भी है और थोड़ा सैंडविच वैंडविच खाए। ये कैफे विले करके है, वहाँ पे सही एस्थेटिक्स है भाई साहब, बहुत सही। फूड वॉज रियली नाइस, बट कॉफी वॉज रियली थोड़ी बहुत बाहर स्ट्रॉन्ग थी, बट कोई बात नहीं, हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारा लेजर करवाने। डर लग रहा है तुमको? है? बताओ। नो लूना। ओके, तो मेरे को ना, मैं इनको ना, इनको नाम ढूंढ रही हूँ बुलाने के लिए, तो इनका नाम इटालियन में मत्तेओ हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ मत्तेओ बुलाती हूँ तो भी इनको अच्छा नहीं लगता। क्या बुलाऊँ तुमको? ईरू के पापा। ओके गाइस, मेरे पति का हो गया लेजर, उनको रेस्ट करने को बोला हुआ है। और अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों को दवाई वगैरह दी है, उनकी भी तबियत खराब है, इनको भी दी है, उनकी देनी है अभी और 10-10 मिनट में। और बस अब सोने होने की तैयारी है। फाइनली काम खत्म हो गया, बहुत टाइम से इनको करवाना था लेजर, तो फाइनली इट्स डन। एंड 1-2 दिन का रेस्ट है अभी, फिर प्रॉपर बताती हूँ उनसे पूछ के कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। दर्द वर्द ज्यादा हो रहा है क्या तुमको? तो उसमें लग रहा है मुझे एक ही में ड्रॉप गई है वो, ऐसे लग रहा है एक ही में गई है। चलो ठीक है। वीडियो को बीच में रुकने के लिए बहुत बहुत सॉरी, मगर गाइस गर्मी इतनी हो रही है, इसकी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, डल और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। पहले ही सर्दियों में ना एक पिंक पिंक सा ग्लो आता था, तो इसलिए मैंने ट्राई करे ये 2 प्रोडक्ट्स। इसका नाम है मामाअर्थ का हाइड्रोफुल एसेंस सीरम, और इसका जो टेक्सचर इंग्रेडिएंट्स है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखते हैं। इसके अंदर एक तो हाइलुरोनिक एसिड है, जिससे आपको 92% इंस्टेंटली हाइड्रेशन होती है, और साथ ही में आपका जो फेस का नेचुरल पिंक ग्लो है ना, वो निकल के आता है। ये मुझे थोड़ा थोड़ा स्नेल मशीन जैसा लगता है, मगर ये वीगन है, तो इसकी ये एक तो खासियत है कि नॉर्मल वीगन लोग भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसका टेक्सचर बहुत रिच है, जिसका डिफरेंस हाथों हाथ देखने को मिलता है कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसमें बीटरूट का भी टच है, जिससे आपका अगेन ग्लो जो है पिंक पिंक सा निकल के आता है। और साथ ही में गर्मियों के अंदर जो अपने फेस को मच नीडेड हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है ना, वो भी पूरी होती है। तो गाइस, मुझे तो मामाअर्थ बहुत पसंद है, इनकी सनस्क्रीन भी जो है बहुत ही अच्छी है। और मामाअर्थ गुडनेस इनकी अंदर ही नहीं होती है, पर इनके प्रोडक्ट्स के अंदर भी होती है, और इनकी जो वैल्यू ये देते हैं ना, वो ये पूरी भी करते हैं। और साथ ही साथ में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ये आपको नायका पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह मिल जाएगा। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. तो आप देर मत करो, जल्दी से जाओ और चेक करके आओ। और साथ ही में मेरा आपको कूपन कोड दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ज़रूर यूज़ करना। इनकी वेबसाइट पे आपको मिलेगा डिस्काउंट। ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज 6 तारीख का मेरे पति का अपॉइंटमेंट है, अभी 9:30 बजे का। उनको विद वेरी मच जुकाम खांसी खिलाना है उनका, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। इधर बना रहे हैं चाय, ताकि थोड़ा हेल्प मिले गले को। नहा तो ली मैं, पर खाना खाने जाती हूँ उससे पहले सियास हो गई। वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो आज है ना, पता नहीं क्यों, मतलब कई दिन हो गए हमको जयपुर में, ना जाने क्यों हमको मन करा कि हम बाहर जाते हैं और ना थोड़ा कॉफी वॉफी पी के आते हैं। तो हमने ना क्यों, इसलिए है ना, पहले कॉफी वॉफी पियेंगे फिर सोचेंगे। नहीं, आप मुझे लेके ही नहीं जाते, मेरी मम्मी में लेके ही नहीं जाती हूँ, आपको लेके जाऊंगी एक दिन। और ये हमारे पतिदेव है जो कि गाड़ी चला रहे। हेलो करो, ऐसे रो करते हैं, एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा बंदे का भाई साहब। जी, तो हमने हमारा काम कर लिया, अब हम इसमें आ गए छोकू शहरी में। लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। Bags up there against the wall, step on a flight, be there by the night, get ready cause man we taking off. No doubt this world is mine, by myself when I lose track of time. No I'm not new with that, got my crew in the back, I feel alright. Take me to my city, look at the weather, it's so pretty. आपके लिए लेकर आए अभिषेक मामू। अल्लाह चॉकलेट भी लेकर आए हैं। नहीं क्या होता नहीं थैंक यू वेलकम। देखो इधर ये अभिषेक हमारे लिए सीयूसुन वाला केक लेके कोई नहीं लाया मेरे लिए आज तक। थैंक यू सो मच वेलकम। बता मेरे को कभी ना किसी ने सीयूसुन नहीं करा। मम्मी आपने तो मंगाया नहीं मेरे लिए सीयूसुन वाला केक। बताओ Hi guys, very welcome to my channel। तो guys सबसे पहला अपडेट तो ये कि मैंने बाल कटवा लिए, छोटे छोटे करवा लिए। अब प्लीज ऐसे मत बोला क्यों आए। देखो बाल है ना मुझे परेशान करते हैं। मेरे पास दो नन्हे नन्हे बच्चे संभलते नहीं है। अपने घर की खेती है, फिर से उग जाएंगे अगले साल। ठीक है वैसे मेरे बाल अच्छा आ जाते हैं। थुथू गिर देना कमेंट्स के अंदर, थुथू कमेंट्स कर देना। और अभी हमको हमारी 21 तारीख को फ्लाइट है। आप बोलोगे अरे आप वापस क्यों जा रहे हो, आप तो इंडिया आए थे क्या, आप परमानेंट आए थे क्या। मैंने कभी नहीं बोला मैं इंडिया परमानेंट आई हूँ क्या। इट वॉज माई प्लान दो बट इट डिडंट रियली वर्क। खैर सॉरी इतनी देर आधा फेस देखने के लिए, मगर मेरे को क्या पता, मैं पीछे वाले कैमरे से शूट करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। मैं ऐसे भगवान भरोसे कर, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स से प्यारे सब देख लेते हैं। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मेरा इंडिया रहने का कोई प्लान था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट अभी ये प्लान बन गया है क्योंकि सिया का अपॉइंटमेंट है एक परमिट ऑफ स्टे का। तो मैं सोची वहाँ के डॉक्यूमेंट्स की बात करनी, तो एक बार जाके आ रहे हैं फिर देखते हैं। मन लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा इंडिया तो हमारा ही है, वापस आ जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर पैकिंग, आई एम लीविंग 21st एंड बुरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बट क्या ही कर सकते हैं, यही है डेस्टिनी हमारी। और ये हमारे हेल्पर है, ये हमें काम करवा रहे हैं। खैर जो भी है, मेरे पति वापस से गए चिराना एक बार मिलने के लिए, सबको गुड बाय करने के लिए। वो इतने दिन यहीं थे, उन्होंने अपना आई ऑपरेशन करवाया था जिसका मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, डे व्लॉग। और मैंने ना व्लॉगिंग कम कर दी है क्योंकि मैंने अपनी ना वो बना ली है एक बाउंड्रीज सोशल मीडिया से लेके। मेरे को रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर माई ब्रेन, इसलिए मेरा व्लॉग कम करने का हो गया। पहले मेरे को बहुत गिल्ट होता था, मैं ऐसे बोलती थी सॉरी गाइस सॉरी गाइस। अब नहीं बोल रही मैं कोई सॉरी, मेरे को नहीं मन, मेरा मन करेगा तो ही करूंगी यार, नहीं मन करेगा तो क्यों करूंगी मैं, बताओ ये वाली बात है। बट चलो पैकिंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पैक करते हैं। कचरा देख लो आप हमारा, ये तो ये कचरा है, ये वाला ये कचरा है, पीछे वाला भी कचरा है, कचरा कचरे की बहन। और वो पीछे कितना सारा कचरा पड़ा है, वो है मेरा। और एक दो इधर भी बॉक्सेस पड़े हैं, मैंने मेरी पोशाकें वगैरह पड़ी है इसमें। चलो जी बिना कोई देर के बकवास पैकिंग शुरू करते हैं। इधर मत लेके आना कलर, नहीं बस। मम्मी आपकी अभी लगाऊंगी, आज होली है क्योंकि। यस थैंक यू। यू लाइंग, कल भी होली होगी, कल मेरी ट्यूशन में होगी। यस होली भी खेल ली हमने तो बैठे बैठे। मेरे भी लगा दिया कलर, शायद कलर लग रहा है क्या मेरे, पहुंच दिया उसने। होली के 4 दिन पहले जा रहे हैं बताओ, क्योंकि 25 तारीख को हमारा अपॉइंटमेंट है वहाँ पे। गाइस वहाँ पे हमने 3 बैग पैक कर दिए, सॉरी 4 कर दिए ना अपन ने, 4 बैग कर दिए। 5वां ये कर रही है, एक छट्टा इसमें से करेगी। खत्म नहीं हो रहे हैं कपड़े, कपड़े हैं सारे, फिर बोलते कपड़े नहीं हमारे पास। Bags up there against the wall, step on the flight, be there by the night, get ready cause man we taking off, no doubt this world is mine। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज 19 तारीख है और बिल्कुल ख़त्म होने वाला दिन, और मैं ना पैकिंग करी थी और पैकिंग करते करते इतना मैं खो गई पैकिंग में कि आगे व्लॉग ही नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में ना, हाँ तो मैं बोल रही थी कि फिर उसके बाद में मुझे ना आधार कार्ड वगैरह बनवाने थे, तो मैं उसी में लगी पड़ी थी। अभी मुझे फाइनली टाइम मिला है तो मैं आ गई हूँ मेरा सेल्फ केयर करवाने के लिए। तो मैं अभी आई हुई हूँ स्मार्ट एंड शाइन नाम ही दिख रहा उल्टा दिख रहा है। अभी मैं आ गई स्मार्ट एंड शाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ स्मार्ट एंड शाइन करके। और ये है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली, तो इन्हीं की वजह से मैं आई हूँ, इन्होंने सजेस्ट किया है। देखो सलॉन्स तो बहुत सारे होते हैं बट है ना मेरे को डर लगता है सच फेशियल और क्या बोलते हैं उसको क्लीनअप वगैरह और इन सब के अंदर ना थोड़ा सा रिस्की होता है प्रोडक्ट्स वगैरह का, तो मेरे को हमेशा डर लगता है, इसलिए मैंने इन्होंने सजेस्ट किया ना, इसलिए मैं आई हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले मैं पेडिक्योर करवा रही हूँ पेडिक्योर करवा रही हूँ, उसके बाद में फिर आगे का बताती हूँ। नींद आ गया है मेरी, आँखें चल रही है इसलिए। यहाँ पे हम पेडिक्योर करवाएंगे क्या, सिंहासन तैयार। मैं रेडी, पहले दूसरी बार फिर दूसरी बार ही पेडिक्योर करवा रही हूँ। So, मेरा पेडिक्योर चल रहा है अभी तो, एंड वाटर मसाज। भाई मेरे को नींद आ रही है मस्त, और सिया मेरी गोद में ही है अभी। उसके बाद मुझे क्लीन अप भी करवाना है, उसका भी उन्होंने बहुत प्यार से सेटअप कर रखा है, तो इट्स रियली नाइस। एंड अभी मुझे इतनी नींद आ रही है बिकॉज ऑफ द मसाज वाज सो गुड पैरों की। एंड मैं काफ़ी टाइम से करवाना चाहती थी यार पीठ मसाज, बट फाइनली आई गॉट द चांस एंड मामा सेल्फ केयर डे इज़ गोइंग परफेक्ट। इंडिया से जाने से पहले ना मामा करवाएगी सेल्फ केयर। बट अगर आपको भी कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट वगैरह करवाना हो ना तब यहाँ आ सकते हो यार, बिकॉज आई रियली थिंक प्राइस भी सारा ठीक था, अच्छा था, और सर्विस तो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, स्पेशली तो मसाज वाज वेरी वेरी नाइस। स्पेशल सेटिंग करी तो ये वाला फेशियल सॉरी क्लीनअप है जो कि मैं करवा रही हूँ, इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं। सो दिस इज माय बिफोर फेस, अच्छे से देख लो, एकदम बिफोर फेस है, और अभी मैं आफ्टर शो करूँगी थोड़ी देर में। मैं ट्राई करूँगी ड्यूरिंग भी शूट करने का, बट लेट्स सी द लुक। It's a journey and this is my dream. Doing it for UK, LA, Miami, straight to the Philippines. Every city is a dance floor. Traveling the world like we all tour. That's right. I do it for B more. My hometown, it's all yours. Okay guys, I'm done with my facial. I feel so refreshing and so nice. अभी मैं ब्लो ड्राई के लिए जा रही हूँ, उसके बाद अपने नेल्स टो भी जेल नेल्स करवाऊंगी। I don't know मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैंने देखा नहीं, बट it's so refreshing though. गाइस सो अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं। आज 20 तारीख को कल निकला और हमने मस्त फाग सेलिब्रेट किया, अभी होली खेली और है ना वो एक रस्म होती है जुड़ने वाली, वो भी करी, पर उसका व्लॉग मैं शायद तक सेपरेटली डालूंगी, तो या तो आप आ चुका होगा या फिर आप उसका थोड़ा वेट करना, उसमें देखना। वी हैड सो मच फन। और अभी ना हमको पैकिंग बाकी है सिर्फ, तो अभी हम पैकिंग बाकी है, थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है, लास्ट एयरपोर्ट आउटफिट्स लेने हैं। तो अभी हम ना थोड़ी देर में निकलने वाले, नहा धो लिए, अभी हमने होली खेली है तो नहा धो लिए, अब हम निकलने वाले थोड़ी देर में मार्केट के लिए, और उसके बाद में वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके। ओके गाइस तो अभी हो रही 3:30 और हम रेडी हो गए मस्त मस्त, और अभी हम जा रहे हैं वैशाली में थोड़ा सा काम करने के लिए, सो लेट्स गो, वो करके आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, और उसके आके बाद में फाइनल पैकिंग करेंगे। थोड़ी बहुत तो कर ली थी, फाइनल करनी है। प्रॉब्लम ये ना कि काम बहुत ज्यादा है बाहर जो भी है, तो वो करते हैं, देखते हैं। ओके गाइस सबसे पहले हम आ गए ज्वेलर के, मुझे थोड़ा सा डेली यूज का कुछ इयररिंग्स या कुछ चेन या कुछ भी लेना है जो पसंद आ जाए, तो हम अभी आए हैं वैशाली में DMC ज्वेलर्स के, और देखते हैं उनके पास में क्या मिलता है अपने को। लेट्स सी, डिजाइन यार पसंद आने के ऊपर है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, नहीं आएगा तो जरूरी भी नहीं है, बट आ गया तो ठीक है। लड्डू और ये पैकिंग नानी कैसा लग रहा है आपको? कुछ ही होता जा रही है आपकी, कैसा लगता है? ले लेंगे वो तो। अरे नानू मेरा देखो, ठीक है। नानू रो रहे हैं हमारे। अरे थाली पुरा तेरे बीफू भी जा रही है, सास रहे बीफू तू भी जा रही है, या जा रही है पटाटा असिया पटाटा। ठीक है, ध्यान से जाइए ना। बाय। हेलो गाइस, आज 21 तारीख है और सुबह के हो रहे हैं, दोपहर के हो रहे 11-12 बज रहे शायद, सॉरी दोपहर के 2 बज रहे हैं। हम निकल गए थे 11:30, हमारी फ्लाइट रात की है 9:30 बजे की है, तो पहुँच जाएंगे आराम से। इस बार यार जाना बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए घर से, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ प्रोसेसिंग माई इमोशंस। यूजली हर टाइम ना मैं करती हूँ उसे, मैं अंदर रख लेती हूँ, बट दिस टाइम मैं डिसाइडेड टू लेट इट बी। तो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अभी हम एक बीच में कहीं रुके हैं ढाबे वाबे में, और थोड़ा बहुत लंच कर रहे हैं। हम तो करके आए थे बट ऐसे ही वो ड्राइवर जो है वो करेंगे, और जो भैया है हमारे साथ वो करेंगे। बस गाइस, हम दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारा सारा रैप करवा रहे हैं। यस, हम पहुंच गए, बस हम अंदर चेक इन कर रहे हैं। सब बैठ गए फ्लाइट में, जा रहे हैं सासरे। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं देश में छोड़ के जाऊंगा, लेके जा रहे हैं मुझे जबरदस्ती। कोई जबरदस्ती कहाँ पे बांध रखा है मैंने तेरे, इन्होंने जबरदस्ती करी, मैं किस लिए जा रही हूँ। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं बहरीन और अभी हम निकल रहे हैं मेरी दूसरी फ्लाइट से मिलना। And I did some shopping. ये पे हमको मिल गया था, ये एरोप्लेन में ही मिलता है सिर्फ। ये सिया का टॉय है और ये मेरा टॉय है। अभी हम चलते हैं इटली। ओके गाइस, तो पहुंच गए। मेरी आंखें अजीब सी हो रही है, घर चलते बस। मम्मी की याद आ रही, मम्मी की याद। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं फाइनली इटली, और हम आए मेरी मदर इन लॉ के घर पे, क्योंकि इन्होंने गाड़ी वहीं पार्क करी हुई थी। तो अभी ये सामान वगैरह इधर उधर कर रहे हैं, तब तक हम बैठे हैं मम्मी के गार्डन में। और ये बच्चा गिरता बच गया। और स्प्रिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है, बहुत ही प्यारे। सारी सफाई कर दें यहाँ पे। ओके गाइस, तो हम एंटर हो चुके हैं 6 में। मैं पिछली बार सोच गई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे, फिर से आ गई थी वहाँ पे। तो भाई यही बोल रही थी अभी इनको कि मैं कितनी बार ट्राई कर चुकी छेवा छोड़ने की, बट कितनी बार मैं छेवा छोड़ने की कोशिश कर चुकी, बट छेवा मेरे को नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्यों। मेरा कनेक्शन हो गया कुछ छेवा से। फर्स्ट पिज्जा ऑफ द इटली, धत्तरी क्यों रे? कह रही धत्तरी, पट्टी कर दी मैंने धत्तरी। ओके गाइस, तो इट्स द सेकंड मॉर्निंग। कल पूरे दिन हम सफाई करी मस्त, और आज मेरे पति लेके मिले मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा फेवरेट कैफे से एक बाइट लेस में क्रीम ने क्रीम आई दिस क्रीम तृप्ति हो गई आज। हेलो गाइस, सो इट्स 23rd टुडे आई थिंक, 24 पता नहीं मेरे को। अभी सुबह के संडे है बाय द वे, आज सुबह के 7-8 बजे ने हमने उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया बस बच्चों का। और मैंने ना थोड़ा बेड लगाया, देखो बेडशीट और रजाई कवर लगाया, मैंने मीशो से मंगाया था वहाँ पे। और ये मैंने कोई घर पे आए थे सेल करने के लिए, उनसे लिया था। इट्स डबल बेड बट मैंने इस पर लगाती है। बाय द वे मैं इसके बारे में बताना चाहती थी, मैं इसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, और बहुत कोजी है। आई नो कि वहाँ पे समर्स हैं अभी, तो मेक सेंस, पर गर्दियों के लिए बहुत सही है, बहुत सही। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ मेरे लिए कॉफ़ी बनाने, मेरे लिए ब्रेकफास्ट करने। और उससे पहले व्लॉग यहीं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि पहुँच गए इटली और दूसरा व्लॉग स्टार्ट करेंगे अभी। तो आई होप कि आपको आज का पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पूरा प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अगर यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।